एक सेकंड, क्या आपने अभी बिना व्लॉग्स पे क्लिक किया है? चलो फिर YouTube के सबसे अच्छे कंटेंट के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम लोग गए थे मेहंदी पे। मेहंदी पे नाच नाच के हम लोगों ने आग लगा दी। और उसके बाद आई बारी बारात की। अब हम लोग थे तो लड़के वालों की तरफ से, मगर हमने कहा दूध पिलाई में होनी चाहिए अपनी कमाई। हम लोग 20% के कट पे शिफ्ट हो गए लड़की वालों की तरफ से। हुआ ये, हम 10% कट के लिए बिक गए, हम यहाँ से नेगोशिएशन करेंगे। पिछले जितने भी व्लॉग्स बने उसमें मैंने आप सबको दिखाना था कि अल्हम्दुलिल्लाह से कंटेंट हम कितना बेहतर कर सकते हैं, मगर अब बारी आती है उस वक्त की जिसका आप सबको तो इंतजार था, मुझे खुद बहुत इंतजार था। गाइस अब टाइम आ चुका है वलीमे का। YouTube के स्टैटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि आप में से कितने ज्यादा लोग हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं है। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सिर्फ एक सेकंड लगा के जाके सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। बाद में मजा नहीं आता वीडियोस के साथ तो अनसब्सक्राइब। आज तो मतलब एंड हो गया। तो गाइस वेलकम। तो आज हम लोगों का किसका वलीमा है यार, अरे देख सकते हैं हम लोग जरा काफी तैयार शहर होके आए हैं। यहाँ पर बाहर इंतजार करें कि सारे बॉयज यहाँ पर आज हम यहाँ पर पहले पहुँच गए। जब सारे आ जाते हैं तो हम लोग एंट्री सारे साथ मारेंगे। पता है, चुप करो व्लॉग के लिए यार, चुप करो यार। तुम्हारा आज प्लान तो नहीं सारे खीरे खाने का? अगर कभी भी आप लोगों की शादी हो रही है ना, हमें मत बुलाओ। क्या बात है, थैंक यू यार। असली दूल्हा ये है, सही है ना? बारात आ रही है, खाना तो सही, वैसे मजे कर रहा है। ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, हम तो घर जा रहे हैं वापस यार। ये हम तो नहीं आ रहे हैं अंदर। Okay, we have been caught red-handed. अच्छा तो जब आप लोग शादी पे अहमद, दानियाल और ईसा को बुलाते हैं तो पता है क्या होता है? ये होता है। अच्छा तुम मेरे बेहतर। ईसा भाई, तुम्हें शादी कैसी लगी यार? बहुत बहुत लेट लगा यार। अभी वापस आ जाओ, बाहर गए जा रहा है। चलेगा, खाना खुल गया। तो भाई खाना खुल गया ना? खाना खुल गया, आओ खाना खुल गया बॉयज। तो मैं देख के रोने लगी हुई। ईसा ने बच्चे को उठाया और बच्चा रोने लग गया। ठीक है, रो रहे। ये तुम्हारे कैमरा से डर है, ठीक है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई ने बच्चा पकड़ लिया। नहीं, ये आप अगर इस ब्लॉग पे 3000 लाइक्स आ गए ना, हम इस बच्चे को सट देंगे। 3000 चल सही है। ये कैसी कॉमेडी है? वो बेचारी डर रही है। इस मनहूस के पास जाना है तुम्हें, वो कह रही है दफा। जिसकी शादी है उनके अब्बू गुजर रहे हैं, ईसा फतेह। यार बहुत रिग्रेट कर रहे हैं यार हम। अच्छा तो यहाँ पर अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तस्वीरें वगैरह लेंगे कोई। पर मेरे साथ सेक्सी बॉय शायन है। शायन बताओ, तुम्हारी सेक्सीनेस का राज क्या है? यार वो बताते नहीं है फिर। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ पर पार्टी हो रही है। अभी हम लोग बाथरूम में आए हुए, ठीक है, इस बेवफा के साथ। सारा वक्त इसने हमने डिच कराया हुआ था, अपनी दोस्तों के साथ गया हुआ था। तो ये बेचारे को अकेला था और ऊपर से वो लोग भी बहुत अकेले थे। भाइयों का भाई शायद भाई, क्यों भाई? बड़ा ज़्यादा कोई नहीं।
आपको तो पता है किसी भी शादी में तुम लोग जाते हो तो बाथरूम में तो सारे फोटो सेशन हो रहे होते हैं, तो ये देखो यार बहुत अच्छी पिक्चर है यार ये हमारी। तेरा बाप ओए बच गए यार। नहीं नहीं अभी आ जाओ